press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome back to my channel Beauty Blog. आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ लोटस के व्हाइट ग्लो सेरम मास्क का रिव्यू शेयर करूंगी। यह है लोटस हर्बल का व्हाइट ग्लो इन्फ्यूज ब्राइटनिंग सेरम मास्क। यह आपकी स्किन को नरिश करता है और आपकी स्किन में रेडियंस ऑफ ग्लो को ऐड करता है। ये एक एंटी पोल्यूशन पैराबिन फ्री फेस मास्क है और सबसे अच्छी बात इस फेस मास्क की यह है कि ये सारे ही स्किन टाइप के लोगों के लिए है। इस सेरम मास्क में आपको मिल्क एंजाइम मिल जाएगा जो कि हम लोगों की स्किन को ब्राइटन करता है। अगर प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस 85 रुपीज है, बट अगर आप इसको ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्राइस पे। कभी कभी ऑफर्स चल रहे होते हैं। इसमें आपको 20 ग्राम की क्वांटिटी मिलती है और एक मास्क मिलता है इस प्रोडक्ट में। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स। आप इसको 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको अभी यूज नहीं करना है तो आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है तो सब कुछ इसकी पैकेजिंग पे ही लिखा हुआ है। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी ही है, कोई आउटर पैकेजिंग नहीं होती है इसमें, सिर्फ ऐसी ये पेपर की इसकी पैकेजिंग है। इसके अंदर आपको मास्क मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि इसमें मिल्क एंजाइम्स हैं जो कि आपकी डैमेज और डल स्किन को रिपेयर करता है, और साथ में ही जो इसमें ब्राइटनिंग सीरम है वो बहुत ही इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि हम लोगों की जो सेल्स हैं उनको रिन्यू करता है, जिससे हम लोगों को रेडिएंट और ग्लोइंग स्किन मिलती है, और जो भी एनवायरमेंट से आपकी स्किन को डैमेज पहुंचता है उसको भी ये सही करता है। इसकी पैकेजिंग पे ये भी लिखा हुआ है कि आपको इसको वीक में 3 बार यूज करना है। पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद आपको इसको यूज करना है। लेकिन अगर आप इसको वीक में 1 बार भी यूज करते हैं तो वो भी इनफ होगा, आपको 3 बार यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको कैसे यूज करना है, डायरेक्शन टू यूज दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इस मास्क को निकालना है और अपने फेस पे लगाना है। उसके बाद आपको 10 मिनट तक अपने फेस पे इसको लगे रहने देना है। उसको जेंटली रिमूव करना है अपने फेस से। उसके बाद जो भी एक्सेस सेरम रह गया है आपके फेस पे उसको आपको मसाज करना है अपने फेस पे, जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए पूरी तरीके से। तो ये था इसका डायरेक्शन टू यूज वगैरह, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसकी जो स्मेल है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये इसमें एक मास्क है तो मैं आपको दिखा देती हूँ मास्क कैसा है। इसमें काफी ज्यादा सेरम है। तो जब आपको इसको यूज करना है तभी आप इसको ओपन करिएगा, इससे पहले आप ओपन नहीं करिएगा। ये मास्क ओके। अगर देखा जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है। जब आप इसको एक बार यूज करेंगे, जब आप मास्क के हटाएंगे तो बहुत ही कूलिंग सा इफेक्ट आपको फील होगा, एंड इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें 2-3 वेरिएंट्स और आते हैं। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है, और ये एंटी पॉल्यूशन भी है, प्लस इसमें पैराबिन्स भी नहीं है। तो ये तो जिन लोगों को पैराबिन वाले प्रोडक्ट्स नहीं पसंद हैं तो वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड पैकेजिंग भी काफी क्यूट सी है, एंड काफी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा है, तो अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना कर पाएं। थैंक यू।